Hello everyone, today in this video I am going to discuss about angles made by a transversal. ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, जानते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है. हेडिंग डाल लीजिए ट्रांसवर्सल. ठीक है, इसकी डिफिनेशन राइट डाउन करिएगा. अ लाइन दैट इंटरसेक्ट मीन्स ऐसे काटना भी बता रहे हैं. ठीक है, इंटरसेक्ट से टू आर मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट से इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. ठीक है, देखिए क्या होती है ट्रांसवर्सल. क्या होती है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू आर मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट मीन्स अलग अलग पॉइंट पर. ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल. सपोज दैट ओके, हमने क्या ले लिया, ये फर्स्ट हम क्या टेक करें, दिस इज अ पैरेलल लाइन. ओके, दिस इज लाइन एल वन एंड दिस इज लाइन एल टू. लाइन एल वन और एल टू, अब इन दोनों लाइन को ठीक है कोई और लाइन काटती है. ठीक है, सपोज दैट ये दूसरी लाइन है. ठीक है, इन दोनों लाइन को कट कर रही है, तो ये क्या है, ये जो लाइन है सपोज दैट इसका नाम दे दे M, तो M क्या है, M इज अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, ये तो पैरेलल लाइन है. ठीक है, M इसको क्या कर रही है, कट कर रही है. ठीक है, तो M क्या है, ये ट्रांसवर्सल है. अब ये पैरेलल लाइन भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है. ठीक है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, कुछ ऐसे भी हो सकती है, बट जो ट्रांसवर्सल है दो लाइन को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा. ठीक है, हियर L1, L2, हियर P. सो हियर P इज अ ट्रांसवर्सल. ठीक है, इतना ध्यान रहे कि दो पॉइंट पे ये कट करेगी. ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल बोलेंगे. ठीक है, अब चलिए देखते हैं इससे कितने एंगल ये बनते हैं एंगल. ठीक है, हाँ देखिए यहां पे कितने एंगल्स बन रहे हैं. यहां पे देखिए ये भी एंगल बन रहा है. ठीक है, यहां पे भी एंगल बन रहा है. ठीक है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है. ठीक है, यहां पे भी एंगल बन रहा है. ठीक है, इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है और इधर भी बन रहा है. ठीक है, मीन्स इससे देखिए टोटल कितने एंगल बन रहे हैं, टोटल 8 एंगल बन रहे हैं. कितने एंगल बन रहे हैं, इसे टोटल 8 एंगल बन रहे हैं. तो नेम दे दीजिए इसको, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8. देखिए ये हो गया. ठीक है, मीन्स ट्रांसवर्सल कितने देखिए एंगल मेक कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल देखिए ये बना रही है. ठीक है, अब देखिए ये दोनों जो पैरेलल लाइन है इसके अंदर का जो ये 1 2 3 4 4 एंगल है इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं. ठीक है, जो 3 4 5 6 मीन्स इन दोनों लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, यहां पे एक कॉलम बना करके ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मीन्स हियर इंटीरियर एंगल. देखिए इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, यहां पे 3 4 5 6 मीन्स दोनों पैरेलल लाइन के जो बीच में बनने वाला एंगल है उसी को क्या बोलेंगे, इंटीरियर बोलेंगे. मीन्स यहां पे कौन कौन सा है, एंगल 3 कॉमा एंगल 4 कॉमा एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल. एक्सटीरियर कौन है, जो बाहर के ये बनने वाले हैं. ठीक है, मीन्स पैरेलल लाइन से जो बाहर के बनने वाले एंगल उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, सेकेंड क्या है, एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल देखिए कौन कौन से हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया. ठीक है, एंगल 1 एक्सटीरियर है, एंगल 2 एक्सटीरियर है, एंगल 7 एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल 8, ये सब क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, देखिए अब इसको देखते हैं पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा. ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे ये वाला एंगल देखिए, जो 1 है ठीक है एंड 5 है, ये क्या है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर है. मीन्स ये एंगल
ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, और ये एंगल ये इसके इक्वल होगा, थ्री इसके इक्वल होगा, फोर ये एट के इक्वल होगा। तो ये सब क्या है, ये पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन कौन से हैं, एंगल वन एंड एंगल वन एंड एंगल फाइव। पहला तो ये वन और ये फाइव हो गया, मीन्स ये टू फिर ये टू, मीन्स ये लाइन वन के ऊपर देखिए, ये लाइन एल वन है, ये लाइन एल टू है, मीन्स इस साइड में ये वन है तो ये इसके रहेगा, ठीक है, इधर ये टू है तो ये इसका रहेगा, ठीक है। तो सेकेंड क्या है, एंगल टू एंड एंगल सिक्स, ये क्या है करस्पॉन्डिंग। नीचे वाला देखते हैं लाइन के, थ्री है इसके नीचे क्या है, सेवन है, एंगल थ्री एंड एंगल सेवन करस्पॉन्डिंग एंगल। फोर एंड एट, एंगल फोर एंड एंगल एट आर करस्पॉन्डिंग एंगल। और देखिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मीन्स जो एंगल वन है, एंगल वन एंड एंगल फाइव आर इक्वल, सपोज दैट ये 60 डिग्री का है तो ये 5 भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है, बिकॉज ये दोनों क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। अब देखिए इंटीरियर मतलब अंदर का कह रहा है, ठीक है, मीन्स दोनों लाइन के बीच का, मीन्स अल्टरनेट पूछ रहा, अल्टरनेट। तो यहाँ पे देखिए थ्री है और ये सिक्स है, मीन्स इसका देखेंगे क्रॉस करके देखेंगे, अल्टरनेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये जो थ्री है, ठीक है, ये थ्री एंगल, ये सिक्स है, ये इसके अल्टरनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्री एंड सिक्स अल्टरनेट एंगल है, एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड फोर एंड फाइव, ओके, कौन कौन सा, एंगल फोर एंड एंगल फाइव, यस, एंगल फोर एंड एंगल फाइव आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल समझ रहे। अब देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, मीन्स यहां पे वन है तो ये एट हो जाएगा, ठीक है, वन एट क्रॉस करके देखेंगे, अल्टरनेट पूछेगा तो क्रॉस करके बताएंगे ये इसका पेयर है, एक्सटीरियर वन है तो एट हो जाएगा, मीन्स एंगल वन एंड एंगल एट क्या है, ये पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। एंड टू एंड सेवन, और कौन कौन से है, एंगल टू एंड एंगल सेवन, ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। इतना देखिए क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे एक और बचा है, ठीक है, मीन्स यहां पे क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, नेक्स्ट यहां पे राइट करिएगा, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मीन्स दिस इज अ ट्रांसवर्सल ओके मीन्स एक बार इस साइड देखिए और एक बार इस साइड देखिए ठीक है देखिए थ्री एंड फाइव है ठीक है इंटीरियर पूछ रहा थ्री एंड एंगल फाइव ये दोनों क्या है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स एक बार इस साइड और ये फोर एंड सिक्स दूसरी साइड है ठीक है एंगल फोर एंड एंगल सिक्स ठीक है तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा क्वेश्चन में आएगा जरूर से ठीक है देखिए तो इंटीरियर एंगल से समझ गए ठीक है एक्सटीरियर एंगल भी देखिए आप लोग जानते हैं ठीक है ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है जो बाहर का होता है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है इसको समझ लेंगे तो ये अभी बता रहे हैं वन टू क्वेश्चन ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है ये सब इंपॉर्टेंट ठीक है तो आप लोग देखिए लर्न कर लेंगे तो हायर क्लास में भी क्या आएगा ये आपको आएगा ठीक है इतना समझ में आ गया चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन वैसे मैं बता दे रहा हूँ ठीक है
अब देखिए सपोज दैट क्वेश्चन ये पूछ सकता है आप लोग से, सपोज दैट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है टू पैरेलल लाइंस है, ठीक है, यहाँ पे टू लाइन गिवन, दिस इज ए ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, ये कट कर रही है, सपोज दैट यहाँ पे एक एंगल पूछता है, सपोज दैट ये बोलता है कि ये एंगल, अगर ये एंगल 65 डिग्री का है, ठीक है, ये एंगल 65 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, इसको मान लेते हैं यक्स, यक्स की वैल्यू बताना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, दिस एंगल 65 डिग्री एंड दिस एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 65 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, ये वाला भी 65, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, और आप लोग जानते हैं वन लाइन पे जो एंगल बनता है ये 180 का होता है, टोटल 180 का होता है, ठीक है, वन देखिए दिया गया है 65 डिग्री और सेकंड क्या कह रहा है, ये x डिग्री है, ठीक है, x की वैल्यू निकालना है, तो आप 65 डिग्री प्लस x से बराबर क्या कर देंगे, 180 डिग्री करेंगे, क्योंकि ये जो एंगल होता है टोटल 180 का होता है, देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 65 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू मीन्स इसको कट करेंगे मीन्स 115 डिग्री, तो x का ये कितना आ जाएगा, 115 डिग्री आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर ये देखिए लर्न रहेगा, ये क्या है, सपोज दैट ये एंगल दे दिया, तो यहाँ पे ये कर लेंगे, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, ओके, तो समझ में आ गया, इससे देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज में लगेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू, अगर कहीं पे डाउट होगी तो पूछेगा, ओके, थैंक यू।